नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। सबसे पहले समाचार प्लस के सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। आज से ही आपके वर्ष की शुरुआत शुभ हो, इसीलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आज राशि के मुताबिक किस तरह के उपाय किए जाएं, साथ ही जानेंगे विशेष महा उपाय। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। साल 2015 को बनाएं शुभ, विष्णु पूजा से करें साल की शुरुआत। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से 2015 को सफल बनाने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, नमो नारायण। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। 1 जनवरी 2015 का दिन है, विक्रम संवत 2071 चल रहा है, मास जो महीना है वो पौष का महीना है, तिथि है शुक्ल पक्ष की एकादशी, गुरुवार का दिन है। बहुत अच्छा संयोग है, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की, नक्षत्र है कृतिका, योग है साध्य और करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व त्यौहार पड़ रहा है इसे पौष मास की पुत्रदा एकादशी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पौष पुत्रदा एकादशी है। इसके साथ साथ एकादशी में ही द्वादशी का संयोग होने से कूर्म द्वादशी भी आज के ही दिन मनाई जा रही है। तो ये तो था आज का पंचांग। आज से साल 2015 की शुरुआत हो रही है और आज से आपके जीवन में मंगल कार्यों की शुरुआत हो, सुख संपत्ति आए, इसके साथ ही साथ साल की शुरुआत भी शुभ होनी चाहिए। और आज साल के पहले दिन गुरुवार पड़ रहा है, साथ ही एकादशी भी है, तो विष्णु पूजा करके 2015 की अच्छी शुरुआत की जा सकती है। ऐसे में राशियों के मुताबिक विष्णु पूजा कैसे करें ये हम जानेंगे आचार्य जी से, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा संयोग है, एकादशी की तिथि से नया साल 2015 शुभ हो रहा है, तो क्यों ना इस अंग्रेजी नववर्ष को हम कुछ ऐसे उपाय करके साल के पहले दिन अपने लिए शुभ बना दें। हम जब अपना हिंदू नववर्ष आरंभ करते हैं, जब नव संवत आरंभ करते हैं, तो उसमें हमारे संस्कार ही हैं कि हम सूर्यदेव की पूजा आराधना करते हैं और उसी दिन से देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, नवरात्रि आरंभ होती है। तो क्यों ना अंग्रेजी नववर्ष पर जब ऐसा संयोग बन रहा है तो इस संयोग का लाभ लिया जाए। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातक लोगों को साल के पहले दिन विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने हेतु धन तथा व्यापार में वृद्धि करने के लिए लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और आज से ही एकादशी से आरंभ करके नियमित 43 दिनों तक एक तांबे का सिक्का किसी नदी में आप प्रवाहित करें तो आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम आपके सामने आएंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जो विशेष विष्णु मंत्र है वो है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए, अगर आप 11 माला जाप करते हैं तो लाभ कहीं अधिक हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले 2015 की शुरुआत में विष्णु पूजा कैसे करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को पारिवारिक सुख शांति हेतु भगवान विष्णु जी को सफेद पुष्प यानी श्वेत पुष्प अर्पित करना चाहिए। दूध से बना हुआ भोग अर्पित करते हैं आप तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है और एक पीला रुमाल सदैव अपने पास रखना चाहिए। यदि आप धन की कमी से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आज आप संध्या काल में करें और अपने इस पूजन में एक दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी करें और पूजा करने के उपरांत उस शंख को अपने धन रखने के स्थान में अगर आप स्थापित कर देते हैं, अपने कैश में या गले में स्थापित कर देते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए और आगे आने वाले वर्ष का पूरा लाभ लेने के लिए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप आप यूं तो रुद्राक्ष की माला पर करें तो भी आपको लाभ मिलेगा, अगर सफेद चंदन की माला पर 11 माला आप जाप करते हैं तो आपको लाभ कहीं अधिक मिल सकता है। तो ये तो बात रही वृषभ राशि वालों के लिए। चलिए आप जान लेते हैं मिथुन राशि वाले 2015 की शुरुआत विष्णु पूजा से कैसे करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी विशेष कार्य में सफलता हेतु आपको चमेली और चंपा के पुष्प भगवान श्री हरि को निश्चित ही अर्पित करना चाहिए और एकादशी के दिन से ही आज की ही तिथि से आरंभ करके 11 दिन तक नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। यदि आप पीले रंग के कपड़े का एक त्रिकोण आकृति का झंडा बनवा करके घर के आसपास जो भी भगवान विष्णु का मंदिर हो वहां जाकर के आप दान करके आते हैं या उस झंडे के लिए ऐसी व्यवस्था करके आते हैं कि भगवान विष्णु के मंदिर में ऊंचाई के स्थान पर इस झंडे को लगा दिया जाए, इस प्रकार से झंडे को लगाना है कि वह वहां पे लहराता रहे, फहरता रहे, जब तक ये झंडा वहां पर रहेगा ये पताका ध्वजा फहरती रहेगी, आपका भाग्य भी चमक उठेगा, चमकता रहेगा, आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर घर के आसपास कोई विष्णु मंदिर उपलब्ध नहीं है तो किसी भी धार्मिक स्थान में यह उपाय किया जा सकता है। आपके लिए विशेष मंत्र बनता है भगवान विष्णु का, जो विशेष मंत्र जिसे आपको जाप करना है वो है ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप आज आप जरूर करिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले 2015 की शुरुआत विष्णु पूजा से कैसे करें। कर्क राशि वाले जातक लोग खासतौर पर सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग विद्या के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने हेतु सफेद पुष्प आप भगवान नारायण को निश्चित ही समर्पित करें और अपने घर में पीले रंग के फूल का पौधा लगा करके उसकी सेवा उपासना आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यदि आपको धन लाभ की अभिलाषा है, व्यापारी वर्ग को अगर आर्थिक समस्याएं आ रही है तो आज की तिथि में यानी एकादशी के दिन शाम के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का एक पंचमुखी दीपक आप जला करके आइए, इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं जो हैं, आर्थिक बाधाएं जो आपके काम में बार बार आती हैं उन विघ्न को दूर करने में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। और आपके लिए जो भगवान विष्णु का विशेष मंत्र है वो है ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कम से कम आपको आज जरूर करना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं सिंह राशि वाले 2015 की शुरुआत के लिए विष्णु पूजा कैसे करें। सिंह राशि वाले जातक लोग अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु लाल पुष्प जो है भगवान श्री योगेश्वर को आप निश्चित ही समर्पित करें और आज एकादशी से ही आरंभ करके 21 दिन तक नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और ब्राह्मण या अन्य किसी जरूरतमंद को आवश्यकता वाले व्यक्ति को अन्न और धन का दान करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए जो भगवान विष्णु का विशेष मंत्र बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिए, यह आपके लिए है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। अगर इस मंत्र का आप आज 11 माला या 21 माला जाप करते हैं, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं, अपनी साधना के लिए लाल आसन का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बारी है कन्या राशि की, जान लेते हैं कन्या राशि वाले 2015 को सफल बनाने के लिए क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोग मां लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु जौ के दाने भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को जरूर समर्पित करें और 16 गुरुवार का यदि आप कर सकते हो तो आज से आरंभ करके आपको व्रत करना चाहिए। यदि आपको धन संबंधी कोई समस्या है तो एकादशी की रात में यानी आज की रात में भगवान विष्णु जी की पूजा के उपरांत आप एक लाल रुमाल में नारियल बांध करके, जल वाला नारियल जिसे हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं जटाजूट वाला नारियल, उसे एक लाल रुमाल में या लाल कपड़े में बांध करके अपने गले में तिजोरी में धन रखने के स्थान में रखें, आपको धन लाभ होने लगेगा। अगर आपका अकारण धन नाश होता है गलत कामों में या जरूरत के अलावा कहीं आपका धन व्यय हो जाता है, संचय नहीं हो पाता, तो इस प्रकार की सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आपके लिए भगवान श्री विष्णु जी का जो विशेष मंत्र है यह है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसको आपको जाप करने के साथ साथ जाप करने के स्थान पर अगर इस मंत्र का आप भजन कीर्तन करें तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले 2015 की शुभ शुरुआत के लिए विष्णु पूजा कैसे करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक सुख शांति हेतु बिल्वपत्र आप भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी को अवश्य समर्पित करें। भगवान विष्णु को गुड़ चने की दाल का प्रसाद आपको समर्पित करना चाहिए और आज एकादशी की शाम के समय में घर के मुख्य द्वार पर और अपने घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो इन दोनों जगहों पर आपको सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक जलाना है तथा उस दीपक में 2 काली गुंजा आपको डाल देना है जिससे आपको वर्ष भर आर्थिक
समस्याओं से परेशान नहीं होना पड़ेगा। आर्थिक रूप की परेशानियां जो भी आपके सामने आती हैं उनका निराकरण हो जाएगा। साथ ही साथ इस उपाय को कर लेने से आपका जो भी रुका हुआ धन है, कहीं आपकी पेमेंट रुकी है, आपने किसी को पैसे उधार दिए थे, धन डूब गया, अक्सर लोग ऐसी शिकायत करते हैं, तो आपके अपने बकाए धन की प्राप्ति भी इस उपाय को कर लेने से बहुत अच्छे से हो सकती है। आपके लिए भगवान विष्णु का विशेष मंत्र है ओम अंग वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 11 माला जरूर करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक 2015 की अच्छी शुरुआत के लिए विष्णु पूजा कैसे करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग सकल कार्यों में यानी सभी कार्यों में सफलता और विजय प्राप्त करने हेतु लाल कनेर के 5 पुष्प लेकर के भगवान नारायण देवता को आप समर्पित करें। इसके साथ साथ घी, दही, आलू और थोड़ा सा कपूर, इन सभी चीजों का दान किसी दरिद्र ब्राह्मण को यदि आप गुरुवार की तिथि में आज करते हैं, एकादशी की तिथि में, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब भगवान विष्णु का जो मंत्र मैं आपको बताता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ओम आंग संकर्षणाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 15 माला जरूर करना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले 2015 की अच्छी शुरुआत के लिए क्या उपाय करें। धनुराशि वाले जातक लोग सर्व सुख प्राप्ति हेतु केसर का तिलक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को लगाएं और जब आप उनको समर्पित कर लें तो स्वयं भी केसर का तिलक धारण करने का नियम आपको आज से बनाना चाहिए। इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। आपके आसपास, आपके अंदर जो भी नकारात्मकता है, नकारात्मक विचार आते हैं, उससे आपको काफ़ी सुरक्षा मिल सकती है। आपको आज की तिथि में करना ये चाहिए कि घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ के पुजारी को, आचार्य को अपने घर पर बुलाना चाहिए और सादर उनका सत्कार करके उनको भोजन कराना चाहिए। अगर आप किसी मंदिर के पुजारी को नहीं बुला सकते, आपके अपने जो परिवार के आचार्य हैं आप उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं। आज की तिथि में भगवान विष्णु की पूजा के आराधना के साथ साथ लक्ष्मी जी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। और अब ध्यान से सुनिएगा, विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा कर लेने के बाद गणेश जी की प्रतिमा जो आपके घर के पूजा स्थान में रखी हुई है या कोई फोटो है, उस प्रतिमा को हल्दी की माला आप पहना दीजिए। इससे आपकी समस्त परेशानियां, जीवन के हर क्षेत्र में जो भी परेशानियां, जो विघ्न आपके जीवन में है, जो बड़े संकट आपके जीवन में है, वो दूर हो जाएंगे। आपके लिए भगवान विष्णु का विशेष मंत्र है ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 15 माला जाप आपको जरूर करना है। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों को 2015 की शुरुआत में विष्णु पूजन कैसे करना है। मकर राशि वाले जातक लोगों को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का लाभ और जीवन के समस्त सुख प्राप्त करने हेतु सफेद तिल से बने हुए पदार्थ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को आप निश्चित तौर पर समर्पित करें। पीली गाय को अपने हाथ से आप घास खिलाइए तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कमल के फूल को भी आप अपनी पूजा में सम्मिलित करें, उसकी भी पूजा आप करें। मां लक्ष्मी का प्रतीक, मां लक्ष्मी का स्वरूप, मां लक्ष्मी का आसन मान करके आप इसकी पूजा करें और पूजन के उपरांत इस पुष्प को लाल कपड़े में बांध करके या गुलाबी कपड़े में बांध करके अपने धन रखने के स्थान में या तिजोरी में, लॉकर में, कैश बॉक्स में रखते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आपके लिए भगवान विष्णु का एक बहुत ही दुर्लभ, एक बहुत विशेष मंत्र लेकर के आया हूं। यह मंत्र है ओम अह अनिरुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 21 माला आज की तिथि में जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का 21 माला प्रयोग कर लेने से आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले 2015 को शुभ बनाने के लिए विष्णु पूजन कैसे करें। कुंभ राशि वाले जातक लोग रोजी रोजगार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने हेतु काले तिल से बने हुए पदार्थ भगवान विष्णु को समर्पित करें। आपके लिए यह विशेष तौर पर शुभ रहेगा। हल्दी एवं पीले चंदन से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। फिर उपरांत में एकादशी की तिथि में संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा आराधना का बहुत महात्म है। शाम के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का एक पंचमुखी दीपक जला करके आएं। ऐसा मानते हैं कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, तो वहां पर पंचमुखी दीपक संध्या काल में जलाना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए, आपके परिवार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले 2015 को शुभ बनाने के लिए विष्णु पूजन कैसे करें।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन में सर्व कार्य हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने हेतु पीले पुष्प से भगवान नारायण की पूजा आराधना करना आपके लिए शुभ और सफलतादायी होगी, सर्वोत्तम होगी। इसके उपरांत केसर का तिलक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को लगाएं और फिर खुद भी उसका तिलक धारण करना चाहिए। स्फटिक का बना हुआ श्रीयंत्र, इसको यदि आप आज की तिथि में स्थापित करवाते हैं अपने आचार्य जी से और नियमित फिर इस यंत्र की पूजा उपासना करते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रोज आप आज एक बार स्थापित करा लीजिए, प्राण प्रतिष्ठित करा लीजिए, रोज आपको इनको धूप दीप और गूगल की धुनी करनी है। एकादशी की रात में यानी आज की रात में लाल चंदन और केसर घिस करके उससे एक सफ़ेद रंग का रंगा हुआ रुमाल या कपड़े का टुकड़ा अपने गले में अथवा तिजोरी में आप बिछा करके उसमें अपने पैसे रखना शुरू कर दें या जहां आप अपने आभूषण स्वर्णाभूषण इत्यादि रखते हैं वहां पर इस लाल कपड़े को बिछाएं तो आपके घर में परिवार में हमेशा समृद्धि आएगी, वृद्धि बनी रहेगी। आकस्मिक धनहानि जो बार बार होती है उसमें तुरंत ही रोक लग जाएगी, बाधा जो भी आपके काम में आती है वो रुक जाएगी, आर्थिक क्षति पे तुरंत ही अंकुश लग जाएगा। अब आपके लिए विशेष भगवान विष्णु का मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये विष्णु गायत्री मंत्र है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 21 माला आज जरूर कर लेना चाहिए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे नए साल के पहले दिन किस तरह से व्रत करके इसकी शुरुआत करें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, अंग्रेजी नववर्ष 2015 का आरंभ एकादशी से हो रहा है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आप भी इस व्रत से नए साल को आरंभ करके अपने नूतन वर्ष को खास बना सकते हैं। आज की तिथि का लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा, बहुत दुर्लभ संयोग है जो ईश्वर ने हमें उपलब्ध कराया है और आज की तिथि का लाभ लेने में हमें कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से चूकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी बताया गया है। अपने नाम के अनुसार ही एकादशी का व्रत पुत्र सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। पद्म पुराण में इस एकादशी के महात्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुत्रदा एकादशी के व्रत का विधान किस प्रकार हो आइए ये जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि इस व्रत के देवता स्वयं श्री नारायण देव हैं। जो व्यक्ति संतान सुख की इच्छा रखते हैं उसे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन लहसुन प्याज से रहित शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। हम लोग हर एकादशी पर यह जानकारी आपको देते हैं कि एकादशी के व्रत का विधान लगभग समान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता और एकादशी के व्रत का विधान जो है वह एक दिन पहले से दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल आप जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान नारायण की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए और संध्या के समय में दीपदान करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन से ही मन और वचन से अपने कर्म से ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपना कर्म करना चाहिए, अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो साधक यह व्रत रखता है उसे एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहना होता है। संध्या काल के समय में आप चाहें तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना के उपरांत फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन यानी एकादशी के उपरांत कल शुक्रवार को द्वादशी के दिन ब्राह्मण को आप अपने घर में आमंत्रित करें, उनके पाद प्रक्षालन करें यानी उनके चरण धुलाएं और उसके बाद ब्राह्मण देवता को भोजन करवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद स्वयं आप अन्न और जल ग्रहण करें। द्वादशी के दिन भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इस दिन आप अपने व्रत का पारण कर रहे हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनका व्रत निश्चित ही सफल होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचन है। आइए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने के पीछे प्राचीन कथा क्या है, धार्मिक और पौराणिक क्या संदर्भ मिलते हैं।
भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज किया करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। विवाह के काफी समय बाद भी पति पत्नी संतान सुख से वंचित थे। एक दिन दुखी होकर के राजा सुकेतुमान किसी से कुछ बताए बिना वन को चले गए। वन में इन्हें एक सुंदर सरोवर के पास कुछ मुनि बैठे तपस्या करते हुए दिखाई पड़े। राजा मुनियों के पास पहुंचे और उन्हें सादर नमस्कार किया, प्रणाम किया। मुनियों ने उन्हें बताया कि वे विश्वेदेव हैं। राजा ने विश्वेदेव से संतानहीनता का दुख बताया और इसका कोई इलाज, कोई उपाय, कोई उपचार पूछा। मुनियों ने राजा से कहा कि आप बड़े ही शुभ तिथि पर आए हैं और ये प्रश्न आपने बहुत ही विशेष समय में किया है, अच्छी तिथि में किया है। आज ही पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के पुण्य से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद मुनियों द्वारा बताए गए विधि विधान से राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। इसके पुण्य से कुछ समय बाद रानी चंपावती गर्भवती हुई और एक नियत समय पर सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होकर के राजा का यह पुत्र धर्मात्मा और प्रजापालक हुआ। तो इस प्रकार इस कथा का महात्मा आप समझ सकते हैं। ये कथा हमारे धर्मशास्त्रों में है और एकादशी की सभी कथाओं के बारे में ये निश्चित तौर पर कहा जाता है कि इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही किसी भी व्यक्ति के पाप क्षय हो जाते हैं, पाप दूर होते हैं और अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे सभी व्रत इत्यादि में कथा को सुनने का, कथा कहने का बड़ा विशेष महात्म होता है। तो आपने आज नए साल के आरंभ में ये विशेष कथा भी सुनी। आशा करता हूँ आपका अगर सामर्थ होगा तो आप इस व्रत को जरूर करेंगे और आने वाले वर्ष 2015 को शुभ अपने लिए जरूर बना लेंगे। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, नमो नारायण। तो एक बार फिर से समाचार प्लस के सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।